बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार आज आपके लिए एक सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं। बहन कुमारी मायावती जी ने एक बड़ा फैसला लिया है और बहुजन समाज के व्यक्तियों के लिए ये खबर बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और हर बहुजन समाज के व्यक्ति के पास इस वीडियो को आप शेयर अवश्य कर देना। और साथियों, अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक बड़ा कारनामा किया है। साथियों, जो मेहनती नेता थे, कद्दावर नेता थे, उनको BSP में बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश अनुसार दोबारा वापस लिया गया है। साथियों, ये कौन नेता थे और इन्होंने जो कि क्या कुछ BSP के लिए किया है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। साथियों, पूर्व विधायक राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष चौधरी गेंदालाल जी, जो कि BSP से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, 2007 में इन्होंने सासनी से चुनाव लड़ा और वहां से जीत भी हासिल की। और साथियों, फिर इन्हें हाथरस जिले की टिकट दी गई 2012 में इन्होंने चुनाव लड़ा, वहां से भी इन्होंने BSP का नाम रोशन किया और BSP को मजबूत किया, वहां से भी इन्होंने जीत हासिल की। पर साथियों, कुछ कारणवश ये BSP से दूर हो गए और फिर इन्होंने 2017 में राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होकर वहाँ से चुनाव लड़ा, पर साथियों वहाँ से ये चुनाव हार गए। पर साथियों, फिर इन्होंने BSP के लिए जो कार्य किया, जो BSP से चाहे कहीं से भी ये चुनाव लड़े सही, वहाँ से इन्होंने जीत हासिल की। तो इसी को देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने अपने निर्देश दिए और जिला अध्यक्ष जो कि बनी सिंह जाटव हैं हाथरस जिले के, उन्होंने जानकारी के अनुसार ये बताया कि बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश अनुसार जो कि चौधरी गेंदालाल जी पूर्व विधायक को जो कि BSP में वापस लिया गया है बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश अनुसार। वैसे साथियों, बहन कुमारी मायावती जी का साफ साफ पहले से ही फैसला था कि जो भी BSP के लिए कार्य करेगा और कहीं पर भी नहीं जाएगा, BSP पार्टी से जुड़ा रहेगा, उसको दोबारा वापस लाया जाएगा बसपा में। और साथियों, वो बहन कुमारी मायावती ने जो फैसला लिया था उस पर बहन कुमारी मायावती जी अमल कर रही हैं और बहुजन समाज के लिए ये जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर है कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो फैसला लिया है जिससे कि जो पार्टी मजबूत होगी, जो चौधरी गेंदालाल जी हैं वो चाहे कहीं से भी चुनाव लड़ें वो वहीं से जीत जाते हैं, पर BSP पार्टी से चुनाव लड़ते हैं वो तभी जीतते हैं। 2007 में BSP से सासनी से चुनाव लड़ा तो वहाँ से भी जीते, हाथरस की टिकट मिली 2012 में तो वहाँ से भी वो चुनाव जीते, पर साथियों 2017 में जब चुनाव लड़ा राष्ट्रीय लोकदल से तो वहाँ से वो हार गए। तो इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने उनकी जो BSP से जब वो चुनाव लड़ते हैं तो समाज उनकी तरफ चला जाता है, तो इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने अपना मजबूत करने के लिए उनको BSP में दोबारा वापस किया है, जानकारियों के अनुसार ये बताया जा रहा है। तो साथियों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दुई घंटी को अवश्य दबाएं। इस चैनल का उद्देश्य गरीब दलित शोषित वंचितों पर हो रहे उत्पीड़न व अत्याचार की आवाज़ उठाना। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूँ एक खबर, एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, जय भारत।